हेलो, आई एम अनिकेत कलोडे फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी एंड वी आर एलुमनाई ऑफ सिडनम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई। ओके, सो वी रिसेंटली वी हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि अभी मैं क्या करूं, ठीक है ना। कि अभी मेरा एमबीए मतलब मैं एडमिशन लेने वाला हूं, तो मैं क्या करूं। अभी मेरा कैप राउंड प्रोसेस होगा, तो वो होगा धीरे धीरे, कैप राउंड प्रोसेस भी होगा। अभी मेरा एमबीए मतलब मैं ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ, तो अभी क्या करूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई इंस्टीट्यूट लेवल सीट मुझे मिल जाती है क्या, वैसा कुछ सोच रहा हूँ। सो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस ऑल द कंसर्न्स विच वी हैव बीन गेटिंग लेटली, तो देखते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर योर ऑप्शंस? सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू टेक एडमिशन, है ना। ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको जेबी मिल रहा है तो आंख बंद करके ले लो। सिडनम, वेलिंकर, SIES, NL दालमिया तो हट गया, देन पुम्बा। अगर इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, गुड, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। एंड फिर इसके नीचे अगर हम देते हैं MET, चेतना, इंदिरा, जेवियर, अगर इन कॉलेजेस में भी अगर आप इन कॉलेजेस से एडमिशन मतलब MBA करते हो, स्टिल इट इज़ गुड, है ना। इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप थक चुके हो कि यार नहीं, मुझे ये साल एडमिशन लेना है और मुझे MET या चेतना या इंदिरा या जेवियर में मिलने वाला है, तो ले लो, है ना। सीधा सीधा कैलकुलेशन है। JBIMS में 15 लाख के आसपास जॉब लगेगा, सिडनम में 10 लाख के आसपास लगेगा, वेलिंगकर में 8-9 लाख के आसपास लगेगा, SIES पुंबा में 7-8 लाख के आसपास जॉब लगेगा। यहाँ पे इन कॉलेजेस में आपको 4-5 लाख के पास आसपास जॉब लगेगा। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड एंड यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन MBA दिस ईयर, अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब मोस्ट डेफिनेटली 100% श्योर नहीं बोल सकते, बट 100 अच्छा खासा चांस है दैट यू विल गेट अ जॉब आफ्टर 2 ईयर्स, एंड कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लाइफ में, ठीक है ना। अभी तो एडमिशन लेने वाले हो, एडमिशन अभी कॉलेज तो 1 अगस्त है, 1 सितंबर का भी तो शुरू होने वाला है, तब तक क्या करेंगे। एंड तो कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशंस करो, है ना। अगर आपको फाइनेंस में जाना है तो NCFM सर्टिफिकेशंस होते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे मत खर्च करो, 1500-2000 रुपये का आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। मार्केटिंग में जाना है तो कोई इंटर्नशिप करो, है ना। डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप घर बैठे बैठे कुछ इंटर्नशिप मिलती होगी तो वो करो, है ना। कुछ भी, आई मीन डोंट वेस्ट योर टाइम। यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट 1-1.5-2 आवर्स ऑफ योर टाइम डेली, एंड उससे आपका कुछ ग्रोथ ही होगा, है ना। आपको ये डिसाइड करने में हेल्प होगा कि यार मेरे को क्या करना है लाइफ में, ठीक है ना। ऑल्सो वी विल बी कमिंग अप विद द सीरीज कि किस फील्ड में, मतलब अगर आप MBA मार्केटिंग करते हो तो क्या स्कोप है एंड कैसा होता है कोर्स स्ट्रक्चर, देन MBA फाइनेंस करते हो तो क्या स्कोप है, ऑपरेशंस करते हो, सिस्टम्स करते हो या फिर HR करते हो, वॉट आर द स्कोप्स एंड वॉट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपका आगे क्या एजुकेशन हो सकता है, ऑल दीज थिंग्स। इसके बारे में हम एक वीडियो सीरीज बनाने वाले हैं। वील कम बैक टू इट, आई मीन वील गेट इट टू इट सून, ठीक है ना। बट अभी तब तक आप खुद डिसाइड करो। कैसे डिसाइड करोगे? सर्टिफिकेट। अब आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को MBA फाइनेंस करना है, एंड फिर आपको ये सर्टिफिकेशंस करने के बाद आइडेंटिफाई हो गया कि यार नहीं यार फाइनेंस मेरे बस की बात नहीं है ना, तो फिर आपके पास डिसीजन लेने को टाइम तो है ना। नहीं तो फिर कॉलेज में जाओगे, MBA फाइनेंस ले लोगे एंड फिर बाद में पता चलेगा यार फाइनेंस तो मेरे पास की बात ही नहीं है, है ना। वैसा नहीं होना चाहिए। यू ट्राई, आई मीन दीज 2 मंथ्स आर फॉर दोज, आई मीन जिनको एडमिशन लेना है, दे शुड इन्वेस्ट इन फाइंडिंग आउट कि किस फील्ड में जाना है। एंड अगर आपका डिसाइडेड है किस फील्ड में जाना है, तो उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, ठीक है। टू टेक अ ड्रॉप, एक सिंपल सी चीज मैं बताता हूँ। अ गुड कॉलेज नेक्स्ट ईयर इज ऑलवेज बेटर देन अ मीडियोकर कॉलेज दिस ईयर, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। अ गुड कॉलेज नेक्स्ट ईयर इज ऑलवेज बेटर देन अ मीडियोकर कॉलेज दिस ईयर, ठीक है ना। जे भी जा रहे हो आंख बंद करके जाओ, इससे ऊपर और कहाँ जाओगे। दे आई हैव फाउंड सम स्टूडेंट्स जिनको सिडनम, वेलिंकर, SIES, पुम्बा इधर एडमिशन मिल रहा है, फिर भी नहीं जाने वाले। अरे क्यों भाई, इतनी गारंटी है क्या कि अगले साल JBIMS चले जाओगे? 120 सीट है JBIMS में, सबका नहीं होता है, समझ के चलो। इफ ये साल तुमको JBIMS मिला,
नहीं, इस ये साल आपको सिडना मिला या वेलिंगकर मिला है, और अगले साल भी सिडना में वेलिंगकर ही मिला तो क्या फायदा है ना. सो व्हाट आई वुड रिकमेंड, टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस, ट्राई फॉर JBIMS नेक्स्ट ईयर अगर आपको ट्राई करना ही है तो, है ना. द स्केड्यूल इन एमबीए इज नॉट दैट हेक्टिक, है ना. देन वी वर इन आवर एमबीए, आई मीन व्हेन वी वर डूइंग आवर एमबीए, मी एंड आदित्य सर, वी हैड टू थ्री क्लासमेट्स हु आई मीन हु वेंट टू JBIMS आफ्टर 1 ईयर, है ना. एक साल की फीस वेस्ट होती है, बट देन इट इज नॉट द कंसर्न, है ना. एक साल आप, मतलब आपका वो जो फीस का जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा है आप JBIMS जाते हो तो, है ना. टू टेक अ ड्रॉप फॉर दोज कि भाई मेरा ये साल सिर्फ 90% आया, या सर मेरे साल मेरा सिर्फ 80% आया, मेरे को कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है, तो मैं ड्रॉप लेता हूँ. हाँ ठीक है, ले सकते हो ड्रॉप, ठीक है ना. बस एक गारंटी रहनी चाहिए और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अगले साल मैं अच्छा स्कोर करूंगा, और अगले साल सिर्फ CET के लिए नहीं अपियर करोगे, यू विल अपियर फॉर CET, NMAT, SNAP, CMAT एंड मैट. एटलीस्ट ये 5 एग्जाम्स के लिए आप अपियर करोगे. अगर आप कैट, IIFT, जेड के लिए भी अपियर करते हो, देन वेरी गुड, है ना. देन इट वुड बी बेटर थिंग टू डू, है ना. बट एटलीस्ट ये 5 एग्जाम्स के लिए ट्राई करना है, एंड यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, है ना. क्योंकि अगर हम देखेंगे ना, तो स्नैप के एग्जाम सिर्फ 7 महीने दूर है, एनमेट की एग्जाम अगर आप अक्टूबर से स्टार्ट करते हो तो एनमेट की एग्जाम सिर्फ 4-5 महीने दूर है ना. अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं देखता हूँ कि मेरा कैप राउंड 4 तक क्या होता है, कैप राउंड 3 तक क्या होता है, उसके बाद मैं प्रिपरेशन शुरू करता हूँ, तो एक समझ लो कि कैप राउंड 3 शायद अगस्त में होगा, एंड अगस्त के बाद स्नैप की एग्जाम में सिर्फ 4 महीने बाकी है, तो फिर अगला साल भी गए, है ना. यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ. नेक्स्ट इज टू फाइंड और कंटिन्यू विद अ जॉब एंड अपियर नेक्स्ट ईयर, है ना. इफ यू आर फाइंडिंग अ जॉब, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एग्जाम्स लाइक एनमेट, स्नैप, सीमेंट, मैट, जहां पे वर्क एक्सपीरियंस मैटर करता है. आप जिस जिस किसी भी कॉलेज में जाओगे, एंड जहां पे भी GDPI का प्रोसेस होता है, VATPI का प्रोसेस होता है, डेफिनेटली योर वर्क एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प, ठीक है ना. अगर आप CET के ऊपर ही फोकस करने वाले हो, तो फिर CET में तो डायरेक्टली स्कोर बेसिस पे एडमिशन होने वाला है, तो जॉब फाइंड आउट करके करने क्या वाले हो, है ना. इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ योर जॉब, अगेन नो हार्म इन इट, यस, जस्ट यू विल हैव टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, ठीक है. डोनेशन सीट, अभी डोनेशन सीट भी मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने बोला यार डोनेशन सीट मेरे को फ्रांसिस कॉलेज में, मैं बोरीवली में कोई एक कॉलेज है वहां पे मैं डोनेशन सीट लेता हूँ, या फिर ये सिंहगढ़ कॉलेज में डोनेशन सीट लेता हूँ, या फिर कोई भी मीडियोकर मतलब खराब कॉलेज में डोनेशन सीट लेता हूँ. अरे डोनेशन सीट लोगे तो फिर ऐसे ही कॉलेज में लो ना जहाँ से 2 साल बाद एडमिशन मिले, प्लेसमेंट मिले, है ना. डोनेशन सीट लेना है तो यार वेलिंगकर से लो, SIA से लो, शायद मिल जाए तो NLR में से लो, मिल जाए तो KGSO में से लो, है ना. डेफिनेटली यहाँ पे पैसा ज्यादा लगेगा, और पैसा ज्यादा लगेगा तो रिटर्न भी तो आएगा ना, 2 साल बाद कुछ तो प्लेसमेंट मिलेगा. अगर आप ये फ्रांसिस कॉलेज में या सिंहगढ़ कॉलेज में डोनेशन सीट देते हो, 2 साल का तो बस आपका पैसा भी गया एंड हाथ में कुछ लगा नहीं, है ना, मोस्ट प्रोबेबली कुछ लगा नहीं, ठीक है ना. सो इन्वेस्ट, मतलब ऐसे कॉलेज में इन्वेस्ट करो जहां से 2 साल में प्लेसमेंट मिलेगा, है ना. टू क्विट MBA प्रिपरेशन, तो जब तक आपके पास कोई एक सॉलिड प्लान नहीं है कि यार इसके बाद मेरे को क्या करना है, MBA नहीं करना है तो मुझे क्या करना है, मैं मुझे कुछ अच्छी जॉब मिल रही है क्या, या फिर मैं कोई दूसरे कोर्स में अच्छा हो क्या, या फिर तुमको समझ में आ गया कि यार MBA मेरी मेरे खेत की मूली नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं आगे कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो फिर ठीक है. बट इफ यू आर गुड विथ योर मैनेजमेंट स्किल्स, बट आप MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, देन दिस शुड नॉट बी द रीजन टू क्विट MBA प्रिपरेशन, ठीक है ना. MBA देखो कैसा है, आपको लगेगा कि यार मैं अभी क्विट कर देता हूँ, 1 साल 2 साल मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, अभी रिलेटिव भी प्रेशर डाल रहे हैं, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ तो कर लाइफ में, कितने दिन बेरोजगार रहेगा. बट एक चीज़ और ध्यान में रखो, है ना, जो लोग UPSC के लिए प्रिपेयर करते हैं, IAS का AS बनते हैं, है ना, वो भी कितने 3-3, 4-4, 5-5 साल प्रिपेयर करते हैं. अभी 5 साल तक तो वो भी सोसाइटी के प्रेशर में रहते हैं, 5 साल तक वो भी पेरेंट्स के प्रेशर में रहते हैं, है ना. बट जब 5 साल बाद IAS या IPS बन जाते हैं, तो सब पूरी सोसाइटी आपको उनको सलाम करती है ना. MBA भी वैसा ही है,
अच्छा प्रिपेयर करो ईमानदारी से, अच्छा जोर लगा के प्रिपेयर करो, अच्छे कॉलेज में जाते हो, कोई IIM में चले जाते हो, JVIMS में चले जाते हो, सेटना में चले जाते हो, या कोई NMIMS में चले जाते हो, सिम्बाइसिस में चले जाते हो, तो वो जो आपका 2-3 साल वेस्ट हुए वो कवर अप भी तो हो रहा है ना। एंड डोंट थिंक कि यार अभी मैं 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का हो गया हूँ, अभी और कितने दिन पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स के पैसों पे रहूंगा। तो ऐसा मत सोचो, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको 24 साल के लिए पाला है और 2 साल 3 साल पाल सकते हैं, है ना, ये मत सोचो कि आपको अभी कंप्लीट करना ही है, अभी मेरे को कुछ ना कुछ करना ही है ना। टेक अ प्रॉपर डिसीजन। हाँ, कंसिडरिंग योर फाइनेंशियल्स, कि आपके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है कि नहीं, डेफिनेटली थिंक कि आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, है ना। पेरेंट्स डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा गाइड करेंगे, है ना। दे मे नॉट अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट देन दे विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस डेफिनेटली करो कि क्या करना है, ठीक है ना, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी वन ऑफ दीज फोर ऑप्शंस, है ना। तो पेरेंट्स के साथ डेफिनेटली डिस्कस करो, ठीक है। इफ यू फील कि हमने किसी स्टूडेंट का या किसी टाइप ऑफ स्टूडेंट का कंसर्न एड्रेस नहीं किया है, यू कैन कनेक्ट टू अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन एनी वन ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी लगता है कि आपका एड्रेस, आपका कंसर्न एड्रेस नहीं हुआ है, यू कैन कनेक्ट टू अस। ओके, थैंक यू सो मच।